हेलो दोस्तों, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी भी ऐसी हो, एक बीच पे खिलखिलाती हुई, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई। हमारी जिंदगी में बहुत ही खुशी हो, गॉगल लगा के बस एक बीच पे बैठे हों, मजे ले रहे हों, जिंदगी के पूरा आनंद, हैप्पीनेस। बट असलियत में हमारी जिंदगी क्या होती है? क्या हम इंजॉय कर पाते हैं, या कुछ और ही हमारी जिंदगी हमें किसी और तरफ ले जाती है? रोज सुबह ऑफिस के लिए निकलना, उस भीड़ का हिस्सा बन जाना जिस भीड़ में शायद हम शामिल होना नहीं चाहते थे, बट हमारी मजबूरियों ने हमें उसमें शामिल कर दिया। उसी भीड़ में, उस हजारों लाखों लोगों की भीड़ में हम अपने आप को ढूंढते हैं, बट शायद हमारे वो सपने, वो हम खुद उस भीड़ में कहीं भागते दौड़ते खो जाते हैं। शायद हम खुद को भी नहीं पहचान पाते, अपने चेहरे को नहीं देख पाते, बस भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, पता नहीं किस दौड़ में। तो आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और डिस्कस करते हैं करियर फॉर लाइफ। जॉब से किस तरह हम करियर की तरफ मूव कर सकते हैं या एक अच्छा करियर बना सकते हैं। हमारी एजुकेशन जो हमेशा हमें एक अच्छी नौकरी करने की तरफ ले जाती है, एक जॉब की तरफ ले जाती है, उससे, उस जंजाल से कैसे निकलें, कैसे अपनी जिंदगी को सपनों की जिंदगी बनाएं, आइए जानते हैं इस करियर फॉर लाइफ सीरीज में। यहां हम वो जानने की कोशिश करेंगे कि जॉब और करियर, इनको हम कैसे बना सकते हैं। बट क्या होता है जॉब और करियर, क्या ये दोनों सेम नहीं है? नहीं मेरे दोस्तों, ये सेम नहीं है। ये सेम इसलिए नहीं है क्योंकि जॉब हमें करनी पड़ती है बिकॉज हमें अपने बिल पे करने होते हैं, वो सारे खर्चे पूरे करने होते हैं, लेकिन हम करियर वो करते हैं जो हमारी जिंदगी जीने का तरीका होता है। जॉब में प्रेशर होता है, दर्द होता है, रेस्टलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन होता है, और करियर में फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन होता है, एक मजा होता है। हम वो करते हैं जो हम करना चाहते हैं, ना कि वो जो हमें करना पड़ता है। जो करना चाहते हैं वो करते हैं, मस्त तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब जो आप करना चाहते हैं, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आप खुद क्या हैं। आप ऑप्टिमिस्ट हैं या पेसिमिस्ट? एक पेसिमिस्ट कौन होता है? जो हर अपॉर्चुनिटी में, हर अच्छी चीज में एक परेशानी ढूंढता है, और एक ऑप्टिमिस्ट जो हर परेशानी में एक अच्छी चीज ढूंढता है। आप किस तरह के शख्स हैं? आप पेसिमिस्ट हैं या ऑप्टिमिस्ट? तो क्या ऑप्टिमिज्म इज बेटर देन पेसिमिज्म? नहीं, दोनों ही हमारी सोसाइटी के लिए जरूरी हैं यारों। जैसे एक एग्जांपल है कि जो ऑप्टिमिस्ट था उसने हमें उड़ना सिखाया, एरोप्लेन बनाया, और पेसिमिस्ट ने पैराशूट। आशावादी होने के साथ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो कैसे संभालेंगे, तो ये समझना भी जरूरी है। तो करियर बनाते हुए अपने आप को समझना बहुत जरूरी है, करियर बनाते हुए अपने ऑप्टिमिज्म को बहुत बेटर करना जरूरी है। हाँ, बट पेसिमिज्म भी जरूरी है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी आप कहाँ हैं। देखो, प्लान बनाने के लिए आपका जो करंट मेंटल लेवल है, आपके जो करंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, भाई अगर बहुत कमज़ोर हैं तो जॉब करनी ही पड़ेगी, आप जॉब नहीं छोड़ सकते फिलहाल। आपका करंट फिजिकल स्टेटस क्या है? क्या आप जॉब के साथ बिजनेस के प्रेशर को होल्ड या उसको आप संभाल पाएंगे? और आपका एटीट्यूड क्या है? क्या आप नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या आप डरते हैं? आपको ये कागज पे लिखना होगा आपका करंट मेंटल लेवल, फाइनेंशियल कंडीशन, फिजिकल स्टेटस और एटीट्यूड, और एक तरफ बनाना होगा अपना फाइनल वर्जन, और फिर शुरू होगा। सो आइए शुरू करते हैं।